टेस्ट ऑफ हुंजा रेस्टोरेंट है यहाँ पे अल्तीत फोर्ट के अंदर। यहाँ पर हम आए हैं खाना खाने के लिए। तो अभी जो हमें बताया गया है कि यहाँ का जो लोकल फूड है उसमें ये है जी डाउडू सूप मिक्स वेजिटेबल है। ये हम सूप पियेंगे यहाँ अभी। इनके चलते हैं किचन दिमाग में सर आ में रहे हैं ना। और देखते हैं कि ये डाउडू सूप जो है ये बनता कैसे है। ये अब चिकन की मेरे ख्याल पीसीस कर रही हैं। ये छोटे छोटे कर ठीक हो गया। और बाकी ये चीजें पहले बता दें क्या है। ये ऑनियन, एक ऑनियन लिया आपने, मसाले, ये आपके अपने इधर लोकल मसाले हैं। ये पेरी पेरी है क्या, कुटी मिर्च आपकी पेरी पेरी है जी। और ये हमारे अपना एक चीज होता है, हर चीज जो हम डाउट चीज है ये यहाँ का लोकल चीज़। अपनी जुबान में कुरुत बोलते हैं। कुरुक कुरुत 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 ये यहाँ का जी लोकल चीज है और इसको इनकी लैंग्वेज में कुरुत, हाँ जी कुरुत बोलते हैं। यू ये स्टोव है जी, स्टोव में आपने ऑयल डाला जी, रिकॉर्ड ऑयल हुंजा का आपने ऑनियन डाला। अब इसमें आपने ऑनियन डाला, एक छोटा प्याज है आपको, ऑनियन है छोटा है, कौन से साइज का, किस साइज के, छोटे 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 साइज का एक ऑनियन है। जिसको आपने लाल करना है कितना पकाना है प्याज, हाँ लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन करना है ठीक है। बस प्याज को लाइट ब्राउन इन्होंने करना है। आधा टी स्पून, हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून हल्दी डाली है मैंने, ठीक है। अच्छा मिक्स मसाला एक टेबल स्पून, टी स्पून है, टेबल स्पून मैंने कुटी मिर्च, जीरा और सूखा धनिया पाउडर मिक्स किया हुआ। फिर अब मैं चिकन डाल, अब चिकन डालेंगे, कितनी देर तक अपने कुक करना है, 5 मिनट तक अपने मैंने चिकन को कुक करना है। थोड़ा सा पानी लिया है इन्होंने, बीच में डाला है ताकि ये चिकन गल जाए। अच्छा ये वाइट मिर्च, कितने नमक डाले, कितने नमक डाले, 1 टेबलस्पून इन्होंने नमक डाला है। जब तक ये गल नहीं जाता तब तक ये कुक करेंगे, तकरीबन 5-6 मिनट तक ये कुक करेंगे। एक बॉल पानी का डाला है मैंने, डर के लिए थोड़ी ज़्यादा पानी डालती है। अच्छा ज़्यादा पानी डाला है, नूडल्स डालते हैं। अच्छा जी ठीक है, ठीक है नूडल ऐड करेंगे। हाँ मैं चाची भी दी आप पहले 1 कप डाला था, इन्होंने कितने कप डालेंगे आप, 3 कप, 3 कप पानी का डाल लिया इन्होंने, 3 कप काफ़ी ज़्यादा, हाँ जी काफ़ी ज़्यादा हो गया। अभी नूडल्स, हमने नूडल्स बनाए थे। अच्छा वे और थे नूडल्स, ये भी क्या बना रही हैं, होम मेड नूडल्स बना रही हैं। अच्छा नूडल्स बनाएंगे होम मेड जी। अच्छा इस सूप के अंदर होममेड नूडल्स डालते हैं, आता है मैदा, मैदा है। कितनी देर पहले आपने गूंदा रखे से, अभी अभी गूंदा आपने, फिर इसमें कुछ डाले आपने, नमक बेकिंग पाउडर डाला आपने, नहीं नहीं मैदा वो कुछ नहीं डालना होता है जी, इसमें क्या डाला आपने, अंडा एक डालना होता है एक। अच्छा आटा गूंथते वक्त आपने सिर्फ अंडा डाला है अपने, अंडे से नहीं टूटते, अच्छा अंडे से टूटते नहीं है ये, ये होममेड नूडल्स बना रही हैं जो इन्होंने ये सूप में डालने हैं, मैदे और आटा नहीं सिर्फ मैदे के हैं। हाँ, बाद जब डालेंगे तब ये सिर्फ मैदे के हैं और आटा गूंथते वक्त इन्होंने एक अंडा डाला बीच में। रेडी हो गए नूडल ये जी, हो गए चलिए अभी उधर जाना है। वेजिटेबल डालेंगे, शिमला मिर्च और गाजर, ये कुरुत डालते हैं, कुरुत क्या चीज है, कुरुत यहाँ का चीज है, लोग कलवी नहीं करके सकते इसका,
अच्छा लोकल विनीगर जी। अच्छा अच्छा लोकल सिरका है सिरका। ये लस्सी को पका के बनाते हैं। लस्सी को पका के बनाते हैं। लस्सी को पका के इन्होंने लोकल विनीगर बनाया हुआ है। इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, आसानी से नहीं बनता। अच्छा ये आसानी से नहीं बनता। अच्छा टाइम टेकिंग है। कुछ एक्सपर्ट लोग बनाते हैं, हम सारे नहीं बनाते। ठीक है। अभी कितनी देर तक इसको कुक करना है? पानी बॉईल आने तक। बॉईल आने तक। अच्छा बॉईल जब आ जाती है ना उसमें हम रोलन डालेंगे, वरना एसी डालेंगे तो पिक जाती है, फिर उसी में कुक हो जाते हैं। तैयार हो गया। अभी वो जो होममेड नूडल्स है वो डालने हैं। अभी मैं होममेड नूडल्स डालती हूँ, ऐसे करके अलग अलग। ये नूडल्स जो है आटे और मैदे के बने? नहीं सिर्फ मैदे के। हाँ मैदे के बने हैं, आटे भी बना सकते हैं। अच्छा ये सिर्फ मैदा का, मैदे के इन्होंने नूडल्स बनाए। अंडा भूनते वक्त इन्होंने ये मैदे का जो भूनते है उसमें एक अंडा भी डाला है, और पानी आकर अपने जरूरत के मुताबिक लेना। आप लोगों को चिली ज़्यादा स्पाइसी, अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो चिली सॉस डाल लें, अगर आप स्पाइसी नहीं खाना चाहते तो मत डालें। रेड चिली ऐड की है, हाफ टी स्पून इन्होंने। थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए रेड चिली ऐड किया। अगर आप स्पाइसी नहीं खाना चाहते तो ये अब मत डालें। बस इंग्रेडिएंट्स तो पूरे हो गए सारे। अब इसको कितनी देर इसको इतना पकाना? बस 5 मिनट तक ये नूडल्स पकाएंगे। बस ठीक 5 मिनट लगेंगे। चलो सूप बिल्कुल रेडी है जी। अब ये सर्विंग के लिए बाउल में डाल रहे हैं। बहुत मज़े मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं, चटपटी मीठी खुशबुएँ। पहले कुछ नहीं कह सकते, वो देखने में अच्छा लग रहा है, बाकी कमेंट जो है वो पीने के बाद करेंगे। यहाँ का ट्रेडिशनल डाउडू सूप तैयार हो गया है, अभी हंसा इसको ट्राई करेगी। अब हंसा अपने बाउल में डाल, हंसा डालो। मजे का। ओके चलें जी, आए बच्चे लोग, अब आप लोग भी आके लें। ये है जी डाउडू सूप, ये भी हम टेस्ट करेंगे।